आपका फोटो लगा हुआ है, आप उसे बोलते हैं महाराष्ट्र में भी आपका फोटो लगा हुआ है, आपका फोटो तो वेबसाइट पे भी आ गया है। ये व्यक्ति वही 10,000 का बिजनेस करके डायमंड ऑफ द मंथ बन सकता है, और डायमंड ऑफ द मंथ आपको इतना रिकॉग्नाइज करके बताना है, क्योंकि हम डायमंड को इतना ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, आपको रिकॉग्नाइज करना है। आपको व्यक्ति से बिजनेस की बात ही नहीं करनी है, जब भी आपको बिजनेस चाहिए बिजनेस की बात मत करिए, आपको बिजनेस चाहिए आप डायमंड ऑफ द मंथ की बात करिए, आपको बिजनेस चाहिए आप डायमंड ऑफ द मंथ की बात करिए। अब आप समझिए कि आप नए व्यक्ति हैं, आप अपनी टीम में पांच, आपको पता है हमारे यहां कितना हाउस फंड कितने लेख में मिलता है, बिलेजर कितने लोगों पे बनते हैं, आप आपको उंगली कितनी है, हम कितने तक तो आपके हाथ की उंगली भी कितनी है। दुनिया का हर बेहतर चीज पांच होती है, दुनिया का नियम है कि आपकी कोर टीम में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, पांच लोगों की कोर टीम सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आपकी शुरुआत ही हमेशा कहां से होनी चाहिए, इसलिए हमारी हर चीज में आप क्या देखोगे, पांच। आपको करना है कि अपनी टीम में पांच लोग डेवलप करने हैं, यानी कि पांच आपको लेग आपकी बनानी है, और हर लेग को क्या बनाना है, बिजनेस प्लान। और यहां का जो आपका मेन आपका लीडर रहेगा उससे आपको बात करनी है, आपको उससे पूरे महीने में क्या चाहिए, पांच डायमंड ऑफ द मंथ, पांच क्या चाहिए, डायमंड ऑफ द मंथ। और आपको करना क्या है, तीन दिन लगातार हर लेग पे देने, तीन दिन लगातार एक ही लेग पे लगातार तीन दिन देने हैं। और इस व्यक्ति के साथ अब आपको एक चेंजेस करना है, ये डायमंड ऑफ द मंथ निकलेंगे कैसे और उसके बाद ये आपको रेगुलर बिजनेस कैसे देंगे। देखिए सबसे पहले तो जब डायमंड ऑफ द मंथ के लिए आप किसी अपने लीडर की बात करते हैं तो लीडर जो है वो प्लान देगा और ज्वाइनिंग के बाद आप जाके प्लानिंग देंगे। डायमंड ऑफ द मंथ की प्लानिंग यहाँ आएगी, यहाँ अभी जो सर बता रहे थे वो प्लान था कि बिजनेस प्लान कैसे देते हैं, मकसद क्या था आपका, ज्वाइनिंग। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद आपका और उस लीडर का इस आपके डायमंड ऑफ द मंथ के पास जाके करना क्या है, आपको बताना है प्लानिंग, लीडर बताएगा प्लान। वो ज्वाइन करने के बाद जब आप प्लानिंग करने जाएंगे किसी व्यक्ति को, ये 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर यदि आप अपने ज्वाइनर्स के पास उस व्यक्ति के साथ जाते जो ज्वाइन कर चुका है और आप उसकी क्या करते हैं। अब मैं यहां पर उल्टी बात बोलूंगा, सर ने बोला प्लान कितनी देर में खत्म हो जाना चाहिए, 45 मिनट में, ये चलना चाहिए मिनिमम 1.5 घंटे। FIM बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये कितनी देर चलना चाहिए मिनिमम साइड, लेकिन कब होगी, ज्वाइनिंग के बाद। आप क्या करने जा रहे हो, प्लानिंग, जहां इन्हें समझाना चाह रहे हो कि हमारे यहां पे डायमंड ऑफ द मंथ सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज करने वाला अवार्ड होता है, और मुझे इस महीने आपसे 1,00,000 बीबी का वेबकार नहीं चाहिए, 2,00,000 बीबी वेबकार नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊंगा, इंश्योरेंस चाहिए तो मेरा पहली टाइम, मैंने पहली बार लाइफ में इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन करी थी, तो सर मैंने जब हमारा पहला ही महीना था कुछ 20-22 दिन मिले थे, मैंने एक महीने में लगभग 38 पॉलिसी करी, जिन पॉलिसी का टोटल जो प्रीमियम था, जो कलेक्शन प्रीमियम था, वो हार्डली 5.5 लाख से ऊपर नहीं था, मेरे को 10,000 तो 15,000 से ऊपर की पॉलिसी लाया था। और हमारी टीम में अमित सिंगल था, उसका यहाँ पे पड़ोस में होटल है, वो लगभग 28.5 लाख की प्रीमियम लेके आया था, 10 लाख की पॉलिसी, 5 लाख की पॉलिसी, और अभिमा ने अवार्ड दिया था मुझे। अमित सिंह सीधे प्रवीण सर के पास बोले, सर मैं 28 लाख का प्रीमियम लेके आया हूं, आपने ब्रांच स्टॉक का अवार्ड दे दिया सुमित को जो सिर्फ 5.5 लाख या 6 लाख का व्यापार लेके आया। प्रवीण सर का एक ही सीधा आंसर था, बोले प्रवीण तू कितनी पॉलिसी लाया, बोले सर 10 लाख की, 5 लाख की, बोले तेरी एक पॉलिसी गई तो मेरा 10 लाख का धंधा सक गया, तेरी दो पॉलिसी गई मेरा 15 लाख का धंधा, तेरी तीन गई तेरा धंधा 30% बचा, उसकी तीन भी चली गई तो 5.5 लाख में 50,000 का धंधा नहीं गया, 5 लाख का धंधा भी विस्टेबल है। बोले नंबर ऑफ पॉलिसी का गेम है, प्रीमियम साइज का गेम नहीं। तो कोई व्यक्ति आपकी टीम में 1 लाख बीबी कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको 3 डायमंड ऑफ द मंथ दे, 30,000 बीबी का धंधा स्टेबल धंधा होगा। आप एक्टिवाइजेशन पे ध्यान दीजिए, यदि एक व्यक्ति 3 डायमंड ऑफ द मंथ दे रहा है और वो रूबी की तरफ जा रहा है तो ये स्टेबल धंधा आना चालू होगा। और नेटवर्किंग इस बात का धंधा नहीं है कि
कि मैंने